यहाँ पर जो है सबसे व्यस्त सिम की कंपनी कौन सी जो आपको लेनी चाहिए पोलैंड आने के बाद, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको मॉल से दिखा लूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, एंड आप देखना शुरू कर चुके हो धनी एक्सप्लोर्स। गाइज, आज मैं जा रहा हूँ एक शॉपिंग मॉल में जो कि यहीं नज़दीक है जिस सिटी में मैं रहता हूँ। सो आज आपको जो है थोड़ा सा शॉपिंग मॉल का व्यू दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा वहाँ पर एक्चुअली शॉपिंग तो नहीं करनी है मुझे, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे छोटे शॉप्स होते हैं जैसे लाइक सिम के स्टोर्स वगैरह, ये सब शॉपिंग मॉल के ही अंदर होते हैं ज़्यादा, क्योंकि फिर लोगों के जो है हर काम जो है साथ में हो जाते हैं। सो मेरी एक्चुअली एक सिम थी जिसमें कि मैं एक्चुअली इंटरनेट चलाता था, वाईफाई चलाता था, वो सिम जो है ब्लॉक हो चुकी है बिकॉज पिछले कुछ टाइम में इंडिया में रहा तो जिसके कारण जो है कि रिचार्ज नहीं हो पाया, तो वो ब्लॉक हो चुकी है। एक तो उसको रजिस्टर कराना है ताकि मेरे पास दोबारा से फिर से वाईफाई हो जाए, और दूसरा ये है कि साथ में आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अगर आप पोलैंड आने का प्लान कर रहे हो या आप पोलैंड आ चुके हो और आप इस चीज़ से कन्फ्यूज हो को यार यहाँ पर कौन सी सिम लेनी चाहिए, विच इज़ द बेस्ट सिम टू यूज़ इन पोलैंड, सो उसके बारे में ही मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो है सबसे अच्छी सिम कौन सी है, आपको कौन सी सिम लेनी चाहिए एज ए फॉरनर। सो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और साथ में ही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का कोरोना का स्टेटस भी बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के केसेस जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और साथ में जो है कि लोग बिल्कुल ही केयरलेस हो चुके हैं, और हो ना हो कि फिर से यहाँ पर लॉकडाउन हो सकता है। सो यह चलते हैं और साथ में जो है कि देखते हैं कि कौन सी सिम जो है आप लोगों को यहाँ पर लेनी चाहिए जब आप पोलैंड आते हो, और साथ में ही जो है कि मॉल का व्यू भी देखते हैं और कैसे यहाँ पर सिम के स्टोर होते हैं और आजकल क्या माहौल है बाहर का। सो यह चलो मेरे साथ और देखते हैं सब कुछ, वीडियो को जो है एंड तक देखिए ये जानने के लिए कि कौन सी जो है बेस्ट सिम है। सो लेट्स गो। सो गाइज, अभी जो है मैं स्टेशन में पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो किसी ने भी जो है मास्क नहीं लगा रखा है। इसका रीज़न ही है गाइज कि ये लोग मतलब केयर ही नहीं कर रहे हैं, शायद इसी कारण जो है बीमारी बढ़ रही है। बट जैसे ये लोग ट्रेन में बैठेंगे फिर ये मास्क लगा लेंगे, इसका रीज़न ये है कि नहीं तो फाइन बनना पड़ेगा। सो इसलिए जो है इन लोगों को ट्रेन में जो है मास्क लगाना ही पड़ता है। अभी जो है मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं लगभग सबने ही मास्क लगा रखा है, क्योंकि ट्रेन में लगाना ही पड़ेगा, तो फाइन बनना पड़ेगा। और आज मैंने टिकट भी नहीं लिया है, इसका कारण ये है कि मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैंने जो है एक महीने का जो पास बना रखा है। मैं सो गाइज, आजकल एक नई चीज़ क्या हो रही है कि जब भी हम ट्रेन से उतरते हैं तो उस समय एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, जो कि मैंने भी रखा हुआ है, और ये आप देख सकते हो ये आपके पास हमेशा होना चाहिए, सैनिटाइज़र है, क्योंकि ट्रेन में हम लोग बहुत कुछ चीज़ों को छूते हैं जो कि किसी और ने भी छुए होते हैं, जैसे कि दरवाज़ा, सीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए हमारे पास जो है सैनिटाइज़र होना ज़रूरी है। सो गाइज, अभी जो है मैं मॉल के अंदर पहुँच चुका हूँ, और अभी चलते हैं और अपना जो सिम है उसको रजिस्टर करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सिम जो है बंद हो चुका है और उसको रजिस्टर करना है वाईफाई के लिए, क्योंकि मैं उसी सिम से वाईफाई चलाता हूँ। सो या चलते हैं और आपको थोड़ा मॉल के अंदर दिखाएंगे दुकानें कैसी होती हैं, या फिर जो सिम के जो स्टोर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो गाइज, ये है वो प्ले का स्टोर जहाँ पर कि मुझे जाना है, जिस कंपनी का मैं सिम यूज़ करता हूँ, ये आप देख सकते हो प्ले का स्टोर है। यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और अभी चलते हैं अंदर और जो है सिम को जो है रजिस्टर करते हैं उनसे बात करके। जिंदो ब्रे, एक चीज रुक रजिस्टर से करता एम एम करता ना इंटरनेट प्ले। सो गाइज, अभी जो है मैं अभी सिम को जो है रजिस्टर कर रहा हूँ, और यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस, अभी जो है कि मेरा जो सिम है वो रजिस्टर हो चुका है, और उन्होंने मुझे एक स्कैन का एक पेपर में जो है साइन कराए हैं, और जिस आईडी से रजिस्टर हुआ है वो इसमें डिटेल आ गई है, ताकि अगर कभी कुछ प्रॉब्लम होती है सिम में तो मुझे सेम आईडी लेके दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर जो प्ले के स्टोर्स वगैरह होते हैं। सो मैंने उसको अभी जो है कि थैंक यू एंड गुड बाय बोला। सो गाइज, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ सिम के स्टोर होते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सो जो सिम के स्टोर होते हैं वो ज़्यादा करके क्या होता है कि मॉल में ही होते हैं, मॉल्स में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग मॉल्स में आते हैं तो
सब काम हो जाते हैं साथ में। यहाँ पर जो है सबसे व्यस्त सिम की कंपनी कौन सी जो आपको लेनी चाहिए पोलैंड आने के बाद, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको मॉल से दिखा लूँ। और वैसे ये मॉल जो है बहुत बड़ा है, मैं इसकी वीडियो फिर किसी दिन आपको आपके लिए बनाऊँगा, आज टाइम की कमी होने के कारण नहीं बना पा रहा हूँ, बट जल्दी आपके लिए ये वीडियो भी बनाऊँगा। और अभी मेरा थोड़ा सा काम है बैंक में जाऊँगा, ऑफकोर्स बैंक में तो शूट नहीं कर सकता हूँ, और उसके बाद घर चलेंगे। गाइस ये वो बैंक जिसमें मुझे जाना था, यहाँ पर थोड़ा सा काम है इसको निपटा के और तब चलते हैं बाहर। सो गाइस बैंक का काम भी हो गया है और अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है सबसे व्यस्त सिम की कंपनी कौन सी जो आपको लेनी चाहिए पोलैंड आने के बाद। सो एज ए इंडियन सब लोग यहाँ पर जो है लाइका की सिम यूज़ करते हैं। उसके प्लस पॉइंट क्या है कि लाइका फ्री होता है, एंड सेकेंडली क्या होता है कि इंटरनेशनल कॉल जो है लाइका में बहुत सस्ती होती है, इसलिए यहाँ पर लोग जो है लाइका की सिम लेते हैं। लेकिन जब मैं आया था तो मुझे ये बात पता नहीं थी और मैंने प्ले की सिम ले ली थी, और यही कारण है कि मैं जो है अभी तक प्ले यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं बार बार सिम कार्ड चेंज नहीं कर सकता हूँ और 5-6 साल से एक ही सिम यूज़ कर रहा हूँ। सो सबके पास नंबर चले जाते हैं और फिर बार बार चेंज करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं प्ले पे ही टिका हुआ हूँ, प्ले को ही यूज़ करता हूँ। बट अगर आप लोग पोलैंड में नहीं आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लाइका की सिम लेना, क्योंकि यहाँ पर सब इंडियन लोगों के पास लाइका की सिम है और लाइका तो लाइका फ्री है जैसे मैंने आपको बताया, और इंटरनेशनल कॉल भी सस्ती हैं। सो यही था आज के वीडियो में, थोड़ा सा आपको मॉल भी दिखा दिया और थोड़ा सा सिम के बारे में भी बता दिया, और जल्दी मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से, नीचे लाल बटन दिख रहा है, अगर आपने अभी तक लाल ही दिख रहा है तो उसको जल्दी से जो है क्लिक कर दीजिए और वीडियो को जल्दी लाइक कर लीजिए, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय बाय।